बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं कीमे वाले मज़ेदार चावल, तो आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कप कुकिंग ऑयल लेंगे। ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें दो मीडियम साइज के प्याज डालेंगे। 5 से 7 मिनट तक हमने प्याज को फ्राई करना है, जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। इसमें हम 1 चम्मच काला जीरा डालेंगे, 1 चम्मच हमने इसमें फ्लावर मसाला नेशनल का डाला है, 8 से 10 लौंग, 2 अदद बड़ी इलायची और 8 से 10 काली मिर्च डाली है। अब हम इसमें 1/2 किलो कीमा ऐड कर देंगे। अब कीमे को हमने 10 से 12 मिनट तक भूनना है अच्छी तरह से। एक चम्मच हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। ये तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और कीमा जो है वो अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हमने 1/2 किलो चावल जो पहले से भिगोए हुए थे, तो हम उससे डबल क्वांटिटी में पानी डालेंगे। जब तक पानी को बॉईल आता है हम इसको ढक देंगे। जी बॉईल आ चुका है पानी में। अब हम चावल इसमें डाल देंगे जो कि पहले से मैंने भिगोए हुए थे तकरीबन 1/2 घंटा पहले। इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इनको पकने देंगे हम। इसको ढक देते हैं। अब ये बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह गया तो हम इसको दम दे देंगे। 10 मिनट बाद हमने दम खोला है तो चावल हमारे बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए जी, मजेदार कीमे वाले चावल तैयार हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।